से जो बारिश शुरू हुई और अब तक लगातार बारिश हो रही है रेवाड़ी जिले में, उसको लेकर के हमारे पास अलग अलग जगह से तस्वीरें आ रही है, ग्रामीण क्षेत्रों से भी तस्वीरें आ रही है, आपको बता रेवाड़ी के लोकल एरियो से भी तस्वीर आ रही है। लगातार हम आपको एक साइड में वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो लगातार बारिश आई है उसके बाद शहर को और ग्रामीण क्षेत्रों को पानी पानी कर दिया है। आपको बता रेवाड़ी के अर्जुन नगर, यादव नगर, काठमंडी, बुद्धो माता, ब्रास मार्केट, रियो चौक, सिविल हॉस्पिटल, मॉडल टाउन, तमाम जगह पानी पानी हो गया है। और इसी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों से भी हमारे पास तस्वीरें आई है, परसोत्तमपुर से आई है, जैतरावास से आई है, हरसिंहपुर बावल से आई है। तो तमाम जगह पानी पानी हो गया है और इस पानी की वजह से, यानी कि आपको पता है जो सड़कों की बदहाल स्थिति है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। गड्ढे यानी कि लगातार सड़कों में देखे जा रहे, भाड़ावास रोड पे आप जाएंगे तो आपके पूरी सड़कों पे आपको गड्ढे ही गड्ढे नजर आएंगे, क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से आपको बताएं पूरा, यानी कि आप जो होते हुए जाएंगे भाड़ावास, फुलका, भड़ेंगी होते हुए तमाम रोड पूरी तरीके से खंडहर हो चुका है, क्योंकि आपको पता है शाजापुर बॉर्डर पर किसान बैठे हैं। इसी तरीके से रेवाड़ी के अंदर दिल्ली रोड पर जो फ्लाई ओवर है उसके नीचे जो रोड टूटा हुआ है वो कैसी स्थिति है, लगातार उसको लेकर के आवाजें उठती रही लेकिन आज दिन तक वो ठीक नहीं हुआ। सबसे पहले हम आपको दिल्ली रोड की स्थिति ही दिखा रहे हैं और वहां हमारे साथ एक शख्स है राकेश यादव, उनसे हम सीधा आपको रूबरू कराएंगे, क्योंकि कल उनके साले की जान चली गई है इसी रोड की वजह से। आखिर कैसे वो घटनाक्रम हुआ पूरा उन्हीं की जुबानी जानते हैं। कल हमने आपको दिखाया भी था, जो हमें फुटेज भेजे थे, फोटो भेजी थी, और उनको लेकर के हमारे साथ जो है राकेश यादव जी है, इनके साले थे सतपाल सनोव श्री महेंद्र सिंह, जो महेंद्रगढ़ के खरीला गांव पड़ता है, को महेंद्रगढ़ का वो उनके साले रखते हैं, और उनसे सीधे हम राकेश यादव से बात करेंगे कैसे क्या पूरा हादसा हुआ, क्योंकि तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की लापरवाही है। किस तरीके से युवक को, 29 वर्ष से युवक को, जिसको अपनी जान गंवानी पड़ी। राकेश जी सुन पा रहे मेरे को, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। देखिए कैसे क्या वाकया हुआ था आपका साला, क्या परसों देर रात जिस तरीके से जो वाकया, क्या स्थिति थी, क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई की है, FIR दर्ज हो गई है, कैसे पूरा मामला हुआ था। सर, FIR होगी सर। वो दिल्ली से आ रहे थे रात को, और जो जो पुलिस लाइन पार करने के बाद इधर से गाड़ी, एक अनियंत्रित अज्ञात वाहन जो गड्ढे में अनियंत्रित हो गई और सीधी इस गाड़ी में, हमारे वाली गाड़ी में लगी, और उसको बचाने के चक्कर में हमारी गाड़ी भी गड्ढे से गड्ढे में गिर के, और हमारी गाड़ी भी पलटी हो गई। अच्छा, तो उसमें कौन सा गाड़ी के अंदर आपका साला था। हाँ सर, सतपाल मेरा साला है, वो था उसकी उस वही डेथ हो गई गाड़ी। तो उसके साथ कोई और भी लोग थे क्या। नहीं सर, कोई नहीं था, अकेला आ रहा था। नॉर्मल स्पीड थी, और जो इधर से गाड़ी आ रही थी वो फास्ट स्पीड में थी, वो गड्ढे में गाड़ी उछल के वो हमारी गाड़ी में लगी, और वो उसने गाड़ी बचाने के चक्कर में अब हमारी गाड़ी भी उस गड्ढों में गिर गई, पलटी खा गई। तो ये सब क्यों, वहां जो रोड की हालात और स्थिति खराब है उसकी वजह से हुआ क्या, तमाम जो रोड टूटे पड़े हैं वहां पर, और बार बार बात की जा रही थी, स्थानीय सांसद ने कहा था कि रोड जल्द से जल्द बनेगा। सर, वो रोड जो पीछे आगे से बिल्कुल क्लियर है, और वे गड्ढे इतने भारी है, पीछे रोड से आने वाले को दिखते नहीं, अब न तो ब्रेक लगते, क्योंकि पीछे रोड बिल्कुल क्लियर है। और जो ही गड्ढे, वो गड्ढे भी बहुत ज्यादा गड्ढे हैं जिनसे, अगर इस साइड पर रेवाड़ी वालों को नहीं दिखते, और दिल्ली वाले वो गड्ढे इतने भारी गड्ढे हैं, अगर गाड़ी कोई नॉर्मल स्पीड में भी अगर ब्रेक लगे तो गाड़ी अनुबिल होकर गिरेगी, ठीक है, एक्सीडेंट। तो आपके जो साले हैं सतपाल जी, साले ग्राम है, इनके शादीशुदा थे या अनमेरिड थे। अच्छा, सर, इसके शादीशुदा थे, दो बच्चे थे, छोटे बच्चे, और पांच भैन थी सर, अकेला था अपने माँ बाप के लिए। अकेला था, और ये गुड़गांव में ड्राइवर की जॉब करता ड्राइवर की जॉब करता था कंपनी में, किसी में कंपनी में था। काम कंपनी करता था, में सर प्राइवेट गाड़ी चलाता था। प्राइवेट। तो इसके बच्चे कितने छोटे छोटे हैं वो। बच्चे सर, एक बच्चा अभी 10 महीने का है, लड़का, और लड़की 3 साल की है। तो आप देखे हमारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको हम बता दें, कल भी हमने फेसबुक पे सीधा जब हमारे को जानकारी मिली थी वो तस्वीरें भी हमने डाली थी, और आज इनके जो है स्वयं जो उनके जो जीजा श्री है सतपाल के, वो हमारे साथ राकेश यादव जुड़े हुए हैं कि किस तरीके से एक दर्दनाक हादसा एक सड़क की वजह से हुआ। और आपको बताए परसों रात की बात है,
और कल से जो बारिश हो रही है, तो आप समझ सकते हैं आज क्या स्थिति वहां पर होगी, किस तरीके के हादसे होंगे, वो भी हमने आपको पिछले दिनों दिखाया था कि जब बारिश आती है तो वहां क्या स्थिति हो जाती है। एक 29 वर्षीय युवक, यानी कि जो अपने परिवार का भरण पोषण करता था, 5 बहनों का, इकलौता भाई था, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको अपनी जान गंवानी पड़ी, और सिर्फ उन गड्ढों की वजह से, कि किस तरीके से तेजी से वाहन आ रहा था और वो गड्ढे में टक्कर मारता हुआ इनके वाहन को चला गया। इन्होंने अपनी बचाने का प्रयास किया लेकिन बच नहीं पाए और उनकी जान चली गई। अब इस जान का कौन जिम्मेदार है, सवाल ये उठता है। लगातार इसको लेकर के आवाज उठती थी कि रोड को ठीक किया जाएगा, अल्टीमेटम भी दिया था हमारे स्थानीय सांसद ने कि 10 दिन के अंदर इस रोड को ठीक किया जाए, लेकिन संसार करने वाली स्थिति है, ये रोड ठीक नहीं हो सका और कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और शहर के अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके से, हमारे साथ केशव चौधरी जी हैं जो पंचनद के जिला अध्यक्ष हैं, मॉडल टाउन में भी आज पानी पानी भरा है, इसीलिए हम इससे बात करेंगे। केशव जी सुन पा रहे मेरे को? मैं सुन पा रहा हूँ मोहनलाल जी आपको। देखिए, कल से जो बारिश हो रही है पूरा शहर पानी पानी, और किस तरीके से, यानी कि गड्ढों की वजह से एक युवक की जान चली गई। अभी आपने सुना कि किस तरीके से दिल्ली रोड के ऊपर 500 गड्ढा ठीक होता तो आज इस युवक की जान नहीं जाती, 5 बहनों का भाई इकलौता यानी कि इस दुनिया से चला गया। और सबसे बड़ी जो बात निकल के आती है वो ये कि गड्ढे को भरने के लिए दावा किया गया था, फिर क्यों नहीं उस गड्ढे को भरा गया? और जबकि सुनील भार्गव एडवोकेट इसको लगातार इस आवाज को उठा रहे थे, यानी कि लगातार कई वकीलों के साथ मिलकर के शिकायत भी दी हुई थी, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई, वजह क्या है? देखिए मोहनलाल जी, सबसे पहले तो मैं राकेश जी के जो साले हैं सतपाल जी, उनके साथ जो दुखद घटना हुई है, वो नश्वर संसार को छोड़कर इस गड्ढे की वजह से चले गए हैं। पहले तो मैं अपनी ओर से और पंचनद जिला की ओर से, मैं अपनी ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि राकेश जी, हमें बहुत ही दुख है कि 5 बहनों का एक भाई जब 2 छोटे बच्चों को छोड़ के संसार से चला जाता है, तो परिवार पे जो विपत्ति पड़ती है वो बहुत ही दुखदायक है, क्योंकि हम भी एक परिवार से आते हैं और इसके लिए हम दुख प्रकट करते हैं। रही बात दूसरी, मोहनलाल जी आपने बताया कि शहर में गड्ढों की जो है, इसका मैं सबसे एक बड़े मिनट ऐसा भी रोक नहीं चल रहा, हमारे साथ एडवोकेट सुनील भार्गव जुड़ गए हैं। लगातार हमने कल भी उस खबर के अंदर जिक्र डाला था कि सुनील भार्गव एडवोकेट ने लगातार ये शिकायत की। सुनील जी, आपको पूरा मामला पता है, अभी आपने सुना होगा, कल भी आपने देखा होगा फेसबुक पे हमने डाला था किस तरीके से युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी उस गड्ढे के चलते, ये गाड़ी को बचाने के चक्कर में, यानी कि वो गाड़ी तो टक्कर मार के चली गई और उनकी गाड़ी उस गड्ढे में धस गई। और यानी कि इनका जो साला राकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका साला 29 वर्ष है, जो 5 बहनों का इकलौता भाई था, छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, उसको मौके में जान गंवानी पड़ी, जबकि हमारे सांसद महोदय ने कहा था 10 दिन के अंदर ये रोड ठीक हो जाएगा। आपको लगता है इसका कौन जिम्मेदार इस मौत का? सर, पहले तो मैं जो बच्चा मरा है उनके परिवार वालों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैंने और 20 वकीलों ने मिलकर वहां पर मौके पे गए थे और प्रशासन को आगाह किया था और ये कहा था कि, और बकायदा है ना, सारी मीडिया ने कवरेज करी थी और कि इतना फुट गहरा खड्डा हो गया है। और इधर मैंने एक्सीएम राकेश जी से बात करी तो वो ये कहते हैं कि ये NHAI अथॉरिटी वाले करेंगे। फिर मैंने NHAI वालों से बात करी तो उन्होंने ये कहा कि वही स्टेट अथॉरिटी वाले बात ये करेंगे। मैंने उनको ये कहा कि जिस दिन हमने 20 वकीलों ने मिलकर एक मेमोरेंडम CM साहब को भेजा था, जिसमें हमने ये आगाह किया था कि अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा, लेकिन आज तक मैंने 16 फरवरी को भी सारे बकायदा CM साहब को ये लेटर डाला था और NHAI अथॉरिटी को भी लेटर डाला था, लेकिन प्रशासन नहीं जागा उसके नहीं बाद। लेकिन 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 चक्कर ये है ना, सवाल ये उठता है, ये तो एक हादसा हो गया, युवक की जान चली गई, हादसे तो रोज हो रहे हैं, लोग एक्सीडेंट करके निकल जाते हैं, किसी की बाइक फंसती है, पिछले दिनों मैं इसके बारे में अखबार में देखा होगा किस तरीके से गड्ढों में बुरा हाल रहा, 2 दिन से बारिश हो रही है, तो वहां की स्थिति तो अपना समझ में आ सकती है कि सांसद महोदय को आकर के देख सकते हैं किस तरीके की हालात और स्थिति है वहाँ। हमारे जो जनप्रतिनिधि, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जब कोई जवान मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है एक्सीडेंट के अंदर, तो मैं तो ये कहता हूं कि क्या ये इस हादसे का इंतजार करते हैं क्या प्रशासन, तब बनाएंगे क्या ये सड़क? आप ये बताओ कि जब हम सभी ने मिलकर ये आगाह कर दिया कि कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, और ये कहा था कि अगर
एनएचआई वालों की कोई अगर गलती हो तो उनके खिलाफ अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, या अगर यहाँ के जो अधिकारी है पीडब्ल्यूडी के अगर उनके उसमें आता है जुडिशियल में तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो अभी तक मेरे समझ में नहीं आता कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद, एक जवान मृत्यु होने के बाद भी ये प्रशासन मौन क्यों है। और आज भी आप देखेंगे कि वो खड्डा एज इट इज है और उसके अंदर गोटे गोटे पानी भरा हुआ है। सर साल भर से ज्यादा हो गया, लेकिन मैंने ये जो यहाँ पर सीएम साहब को जो लेटर लिखा था वो 16 फरवरी को लेटर लिखा था। बकायदा मैं हमारे सारे वकीलों ने ये मुद्दा उठाया था और बड़ी जोर शोर से मीडिया ने कवरेज करी थी। उसके बाद हमारे सांसद महोदय मंत्री महोदय ने भी है ना ये मुद्दा उठा है ना ये कहा था कि इन सड़कों को जल्दी ठीक कर दीजिए। एनएचआई अथॉरिटी वालों को भी कहा था, लेकिन अब ऐसे में सवाल ही उठता है, नहीं परिवार कहाँ जाए। देखिए राकेश जी हमारे साथ और इनके साले थे सत्यपाल जी, यानी कि इकलौता बेटा था वो अपने, यानी कि अकेला साला था इनका, ये पांच बहने पांच बहनों का इकलौता भाई था, छोटे छोटे बच्चे हैं, अकेले ऐसे में परिवार कहाँ जाए। लगता सरकार को इनको मुआवजा देना चाहिए, सरकार को मुआवजा भी देना चाहिए, जो कि मैंने पहले आगाह कर दिया था, मैंने आपको पहले कहा। और बकायदा जो इसमें जो जो दोषी हैं, जो अधिकारी जिनकी लापरवाही से ये बच्चे की डेथ हुई है, एक जवान मौत हुई है, बहुत ही दर्दनाक घटना है। और मैं ये कहता हूं कि सरकार को तुरंत इनके परिवार को पहले मुआवजा दिया जाना चाहिए। और जो प्रशासन के राकेश जी कल आपकी बात में पुलिस से क्या कुछ कह रही है, पुलिस तो कार्रवाई करेगी इस पे, नहीं ये मैं खड़े होगी। सर पुलिस पूरा सहयोग कर रही है, अपनी तरफ से पूरा सहयोग कर रही है। पुलिस का यही कहना है अभी ये अब रोड जो रोड की खराबी है इस, तो ये प्रशासन का काम है। हम अपना काम जो हमारा काम है हम आपके लिए तैयार है, जो भी हमारे लिए जितनी सहयोग होगी तैयार है। पुलिस की तरफ से कोई देरी नहीं, एफआईआर दर्ज करेगी पुलिस हमारे, जब तक हमारे डेड बॉडी नहीं मिली हमारे साथ रही पुलिस। लेकिन जितना बड़ा हादसा क्या रखते हैं तो बुलाया जा सकता है। आपका भी इकलौता साला था, छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, पूरा परिवार, यानी कि माता पिता के आपके साथ ससुर की क्या स्थिति होगी, सोचे उनके पीछे कमाने खाने का रास्ता सारा बंद हो गया। तो नहीं लगता इस तरीके के जो गड्ढे हैं, सरकार को शासन प्रशासन को समय रहते कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल सर बिल्कुल, सरकार को ध्यान, सरकार इतना बजट बना रही है, पुल बना रही है, सब रोड क्लियर, तो इतने दिन से रोड क्यों नहीं बताओ। पीछे एक हादसा हुआ था उसमें भी डेथ हुई थी, और परसों भी एक जो लोकल बिल्कुल उसके पास में पुल के पास में मकान है उसकी हम सुबह हमारी बात हुई है, वो कह रहे थे एक कल की घटना है, एक बुजुर्ग आदमी वहां से क्रॉस कर रहा था, एक गाड़ी खड्डे से उछल के उसकी, वो तो ठीक है थोड़ा बच गया गाड़ी अनवेल, ड्राइवर ने थोड़ी आए दिन की स्थिति हो गई भारत का साहब, आए दिन की स्थिति हो गई। आप तो वकील हैं, अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, मीडिया की सुनवाई नहीं हो रही, सरकार कहते हैं हम विकास कर रहे हैं, तो कैसा विकास हो रहा है, समझ में आता है आपको क्या विकास? एक मामले से टुकड़ा नहीं बन पा रहा। मैं ये कहता हूँ बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ इस सरकार के अंदर अधिकारी सुन ही नहीं रहे हैं, मंत्री की नहीं सुन रहे हैं। अब जब मंत्री की नहीं सुन रहे तो हम तो एक आम नागरिक हैं। अगर इनको प्रशासन को, मैं ये कहता हूँ डिप्टी कमिश्नर साहब को, जो एनएचआई अथॉरिटी के जितने भी जो अधिकारी हैं इसमें जिन्होंने लापरवाही करी है उनके खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज हो, ताकि एनएचआई अथॉरिटी वालों को ये पता चले कि आगे से जो गड्ढे हैं वो तुरंत प्रभाव से भरे जाए। जब तक इन अधिकारियों को नसीहत नहीं मिलेगी, इन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा और इनकी लापरवाही का ये मुकदमा दर्ज नहीं होगा, तब तक किसे है ना जो मरने वाले हैं उनके परिवार वालों को न्याय नहीं मिलेगा। इनके परिवार वालों से भी मैं आग्रह करता हूं कि वो अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएं। यही नहीं है कि भाई एक्सीडेंट हो गया और आपने मुआवजा ले लिया, अगर जो भी हुआ है आगे से ये, ताकि अधिकारियों को ये पता चले कि कहीं भी खड्डा हुआ है उस वो अपनी लापरवाही ना करे, आगे से नसीहत मिल जाए। अरे वही तो बात हो रही, हम लोग रोड टैक्स दे रहे हैं, हम लोग टोल टैक्स दे रहे हैं, तरह तरह के हम लोग टैक्स दे रहे हैं, उसके बावजूद वो पैसा आखिर क्या कर रहा है? ये गड्ढा नहीं बनाया जा सकता, और पैसा सरकार ले रही है टैक्स में, टैक्स कभी डीजल में कभी पेट्रोल में, और कहते हैं विकास कर रहे हैं, कैसा विकास हो रहा है? उन गड्ढों की वजह से हमारी जान क्यों जाए? जब एक बात हो गई हम लोग टैक्स दे रहे हैं, वो पैसा क्यों नहीं टैक्स का लग रहा है सड़कों के निर्माण में? बिल्कुल, लोग है ना हमेशा टैक्स दे रहे हैं
और जो टोल लगाते हैं टोल टोल ले रहे हैं, बकायदा है ना रोड टैक्स दे रहे हैं। जब जब भी कोई नया व्हीकल आता है उसकी आरसी बनती है तो उसमें रोड टैक्स देते हैं और ना सारी चीज देते हैं, फिर भी ये अधिकारी मौन रहते हैं। इनके ऊपर जब तक नकेल नहीं कसी जाएगी तब तक है ना ये लापरवाही करते रहेंगे और इनके खिलाफ जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होगा। मेरे को भी है ना आपके मॉडल टाउन में भी स्थिति देख रहे होंगे, हम तमाम जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको लगता है इन अधिकारियों पे जुर्माना लगना चाहिए इनकी सर्विस से, यानी कि पैसा? बिल्कुल बिल्कुल, इन पे सरकार ने, मोहनलाल जी, नगर परिषद चाहे हो चाहे उसके अंदर जिला प्रशासन हो, मैं आज इस बात को मानता हूं कि सबसे भ्रष्टाचार डिपार्टमेंट जो बदनाम रहा है नगर परिषद बदनाम रहा है मोहनलाल जी। इसके अंदर नगर परिषद के जो अफसर हैं जो इसके ऊपर जो काम कर रहे हैं, मैं सबसे बड़ा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सबसे बड़ा दोषी मोहनलाल जी इनको मानता हूँ। आपने ये देखा होगा दिल्ली रोड पर जब हम जाते हैं पुलिस लाइन से पहले जो फ्लाईओवर है, छोटा सा टुकड़ा ही तो है, एक छोटा सा टुकड़ा नहीं बन पा रहा। मोहनलाल जी मैं उसके अंदर सबसे बड़ा, मैं आपको ये भी बता दूं, मैं जो भी हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं मैं सबसे बड़ा दोषी उनको मानता हूँ। जनप्रतिनिधि को रोज उसी रास्ते से वो आते हैं, वही रास्ता उनका दिल्ली से रेवाड़ी के लिए पड़ता है। सिर्फ एक सरकार को आदेश दे देना या प्रशासन को आदेश दे देना उस रोड को आप ठीक कर दीजिए। अब देखिए जनप्रतिनिधि, मोहनलाल जी मैं कहता हूँ जनप्रतिनिधि तो हमारे चलो दिल्ली के अंदर व्यस्त है, उनके पास बहुत बड़ा मंत्रालय, वो उसमें व्यस्त होंगे, लेकिन उनके जो जनप्रतिनिधि के जो पीए हैं जो रेवाड़ी के अंदर उनका काम संभालते हैं, उनका भी ये फर्ज बनता है कि उन्होंने जब माननीय मंत्री जी ने जब उनका काम रोड के लिए प्रशासन को बोल दिया है तो उनका फर्ज बनता है कि 24 घंटे के अंदर उस रोड को भरवाए। मैं खुद उस रोड को देख रहा हूँ कि 24 घंटे के अंदर वहां मात्र रोड ही डाल के उस रोड को, सिर्फ लंबा चौड़ा ज्यादा बड़ा टुकड़ा नहीं है मोहनलाल जी। और जो प्रशासन को जो उनकी बात नहीं मान रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मंत्री जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और जो भी अफसर चाहे वो केंद्र सरकार के हो चाहे वो हरियाणा सरकार के हो चाहे वो एनएचआई डिपार्टमेंट के हो चाहे वो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के हो, मोहनलाल जी उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि एक जान जाना, एक मोहनलाल जी एक परिवार के घर से एक प्राणी जाना, हमको पता है कि उस परिवार में इस समय क्या बीत रही होगी, लेकिन वो अफसर मात्र ये कह के अपना नाता नहीं छुड़ा सकते कि छोटा सा खड्डा था। मैं कहता हूँ, मैं राकेश जी से निवेदन करूंगा कि इस मामले को यही ना छोड़े, जिला प्रशासन के साथ मिलकर सीएम और गिरवेंश में जिन्होंने भी ये कार्रवाई गलत की है, खड्डा नहीं भरा, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। हम तन मन धन से सुनील भार्गव जी और पूरा परिवार हम आपके साथ है राकेश जी, जो भी गलत काम करने वाले करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए। अरे महाराणा प्रताप से लेके सचिवालय तक रोड भी तब बनाया था, अभी उन्होंने लगातार वो मुहिम उठाई है। और हमने तो पहले बताया था चुनाव से पहले नगर निकाय चुनाव से मैंने लगातार मुद्दे उठाए थे कि किस तरीके से भ्रष्टाचार हमारी जड़ों के अंदर पनप गया है, छोटी छोटी चीजों के लिए आम आदमी को धक्के खाने पड़ रहे, सरकार कहते हैं विकास करा रहे। अरे भाई कैसा विकास हो रहा है कोई बताएगा? अरे पांच भाइयों का बहन, पांच बहनों का इकलौता भाई अपनी जान गवा बैठा, इसकी जवाबदेही किसकी होगी? नेताओं की सैलरी से पैसा खर्चना चाहिए, जो मुआवजे मिले इनको इनकी जेब से लेना चाहिए, अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, अधिकारियों पे FIR दर्ज होनी चाहिए, तमाम प्रशासनिक अमला दिल्ली रोड से निकलता है, तमाम नेता यहाँ से निकलते हैं, उनको दिखाने इन जरा सभी भलाई होते नीचे। मोहनलाल जी मैं इसमें सबसे बड़ा जो दोषी आपको बता देना चाहता हूँ, आप जो भाड़ावास रोड की बात कर रहे हैं, आप तो अनाज मंडी रोड की बात करते हैं, और आप जो अपने भावल रोड की जो बात कर रहे हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं मैं आपको यह भी बता दूं, जो किसान के रूप में जो अपने आप को किसान बताते हैं, पहले हमारा रेवाड़ी में इतना ट्रैफिक नहीं था, लेकिन जब इन किसानों के रूप में जब इन्होंने इस रोड को कर दिया हैवी ट्रैफिक, मोहनलाल जी हैवी ट्रैफिक हमारा अनाज मंडी से भावल रोड से और भाड़ावास रोड से निकल रहा है। अब देखिए इसका जिम्मेदार खाली सरकार नहीं है, उसका दोषी जो किसानों को बात का मोहनलाल जी वो भी जान के बोला हुआ है ना, वो भी जान के हमारे साइड रोड पे कर दिया, सुनकर तो निकल सकता था ना, आगे रोड है वो रोड से इन्होंने बंद कर दिया, वहां तो किसान नहीं बैठे ना, NH1 में जाकर के मिलता है, 48 में जाकर मिलता है वो रोड भी, वहां से बंद करके इधर से मोड़ दिया भाड़ा वाला सुनकर होता हुआ, क्योंकि वो तो वहां साजापुर बॉर्डर में बैठे हैं, वहां से आने के बाद तो हमारा
हाईवे आ जाता है सुनता होते हुए। मोहनलाल जी, पर सारा 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 ट्रैफिक तो मोहनलाल जी खरोड़ा बैरियर से लेकर शाजापुर से होता हुआ भाड़ाबाज रोड होते हुए इधर महाराणा प्रताप चौक होकर ही निकल रहा है मोहनलाल जी, और ये सब किसानों में से हो रहा है। वो ही हम कह रहे हैं, वो सुलखा से जो रोड निकलता है, सुलखा भड़ंगी होता हुआ, वो रास्ता सीधा वहाँ हाईवे पर ही जाकर के मिलता है। मोहनलाल जी, उस सुलखा और भड़ंगी वाले रोड की अगर आप हालत देख लें तो इस समय उस रोड पे भी चार चार फुट खड्डे हो चुके हैं। मोहनलाल जी, आप उस रोड पे एक बार मैं आपसे निवेदन करूंगा, एक बार अपने कैमरे को लेके एचआर न्यूज से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, उस रोड की आप हालत देख लीजिए। सर कौन जवाब देगा, जिम्मेदारी किसकी ली जाएगी? मैं आपके मैं आप हां जी हमारे साथ राकेश जी हमारे साथ है कि इनका इकलौता साला था जो दुनिया में नहीं रहा, आखिर जवाब दे किसकी, कौन जिम्मेदारी लेगा? सर मैं यही तो आगा कर, मैंने जब जब है ना सीएम साहब को ये बता दिया था कि अधिकारी जैसे जिम्मेवार होंगे, और इनको ये आगाह कर दिया था कि भाई कोई भी दुर्घटना होगी क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करते इन अधिकारियों के खिलाफ। आप ये बताइए कि मैंने खुद संपर्क किया, मैंने बकायदा वहां से पुलिस लाइन है, सारे पुलिस कर्मचारी निकलते हैं, वो दुखी है, लोग इतने दुखी है, लेकिन हमने वकीलों ने ये मुद्दा पहले उठाया था, आज मुआवजा भी अगर सीएम साहब को, मैं ये रिक्वेस्ट आपके चैनल के माध्यम से करता हूँ कि उन अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उस अधिकारी की जेब से पैसे दिलवाए जाए इनको मुआवजा, ताकि ये इनको को ये पता चल सके कि लापरवाही की क्या चीज है। आप लोगों ने सख्ती से, लेकिन अब हम साथ अपने दर्शकों को बता दें, हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जैसे हमने शुरू में आपको बताया था रेवाड़ी में जगह जगह यानी कि जो कल से जो बारिश आ रही है उसके बाद किस तरीके की स्थिति हो गई वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से शहर में जगह जगह पानी भर गया, चाहे आपका हंसनगर हो, चाहे आपका काठमंडी हो, चाहे आपका बुद्ध माता के पास हो, अर्जुन नगर हो, कंपनी बाग हो, प्रेस मार्केट हो, नियो चौक हो, तमाम जगह पानी पानी। और सवाल ये उठता है कि आपके ऐसे में व्यवस्था बनाएगा कौन? देखिए हमारे साथ जो हमने पूरा हादसा आपको दिखाया, सुनील भार्गव एल्डो के हमारे साथ जुड़े, ये सब चौधरी जी हमारे साथ जुड़े, पंचनद के जिला अध्यक्ष है और मॉडल टाउन में रहते हैं, मॉडल टाउन देखिए किस तरीके से पानी पानी है, बाकी भी लोगों ने हमें तस्वीर भेजी है, सिविल हॉस्पिटल का हम लगातार मुद्दा उठाते रहे और बड़े बड़े दावे करते रहे हैं प्रशासन के, सिविल हॉस्पिटल में व्यवस्था सब ठीक है, पानी वाला देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ इकट्ठा हो जाता है, और जो ड्रेनेज सिस्टम की बात की वो पूरी तरीके से फ्लॉप है, और अभी दावा किया जा रहा है कि वहाँ ऑक्सीजन प्लांट का भी उद्घाटन किया गया, तो ऐसे में क्या व्यवस्था होगी ये अपने आप में। दूसरा हमारे साथ गाँव से भी तस्वीरें जो आई वो भी हमने आपको दिखाई, परसोत्तमपुर, जैसलावा, सरसेपुरा, बावल से तमाम जगह से, इस पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे और आपको बताएंगे, और भी जगह से हमारे पास तस्वीरें आ रही है, शाम के वक्त फिर और हम तमाम चीजों का जो निरीक्षण करेंगे और जानकारी देंगे अपने दर्शकों को कि किस तरीके से दो दिन की बारिश ने जो प्रशासन के तमाम दावों को खोल करके रख दिया। आप तमाम लोग मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शाम के वक्त फिर आएंगे किसी टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार।